हर कुछ साल में हिंदी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म आती है जो दर्शकों को प्यार करना भी सिखाती है और नफरतों भरी इस दुनिया में प्यार से जीना भी सिखाती है। बॉलीवुड में बहुत से कलाकारों के कैरियर इन्हीं प्रेम कहानियों ने बनाए हैं। बेहतरीन संगीत और सुंदर वादियों में उमड़ता प्रेम पूरे सिनेमा हॉल में प्यार की महक बिखेर देता है। ऐसे ही प्यार से सराबोर फिल्म थी साल 1981 की लव स्टोरी। आर्यन फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था अभिनेता राजेंद्र कुमार ने और इसका निर्देशन किया था राहुल रवेल ने, जिन्होंने इसके अलावा गुनहगार, बीवी ओ बीवी, बेताब, अर्जुन, डकैत, अंजाम और अर्जुन पंडित जैसी अन्य कई फिल्मों का भी निर्देशन किया था। फिल्म की कथा, पटकथा व संवाद लिखे थे मिर्जा बंधुओं ने, जिनमें शामिल थे शाहरुख, माहरुख और हुमायूं मिर्जा। तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 27 फरवरी 1981 को और इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे कुमार गौरव, विजेता पंडित, राजेंद्र कुमार, डैनी डेंगजोंगपा, विद्या सिन्हा, अरुणा ईरानी, अमजद खान, बीना बनर्जी, भरत कपूर आदि। फिल्म का लाजवाब संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और इसके गीतों को अपनी कलम से सजाया था आनंद बख्शी ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे जिनके बोल हैं, कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, क्या गजब करते हो जी, और तेरी याद आ रही है गीत के 2 वर्जन। फिल्म के इन सुमधुर गीतों में अपनी आवाज दी थी अमित कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म लव स्टोरी साल 1981 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। लगभग 80 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 5,75,00,000 रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर कहलाई। अगर हम साल 1981 की टॉप 3 फिल्मों की बात करें तो पहले स्थान पर रही फिल्म क्रांति, जिसने 10 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म नसीब, जिसने 7,25,00,000 रुपए की कमाई की और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म मेरी आवाज सुनो, जिसने 6,50,00,000 रुपए की कमाई की और यह भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन तीनों ही फिल्मों पर हमने पहले ही वीडियोज बना रखे हैं, अगर उन वीडियोज को देखना है तो आप हमारे चैनल में सर्च कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, लव स्टोरी उन विरले फिल्मों में से एक है जिसके क्रेडिट्स में निर्देशक का नाम नहीं आता। यूं तो फिल्म का निर्देशन राहुल रवेल ने किया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के समय राजेंद्र कुमार और राहुल रवेल के बीच काफी अनबन हो गई थी। दरअसल राजेंद्र कुमार ने फिल्म में कुमार गौरव का एंट्री सीन शूट किया था, जिसमें वो एयरक्राफ्ट उड़ाते नजर आते हैं। इस सीन की शूटिंग लुधियाना के एविएशन क्लब में हुई थी, लेकिन राहुल रवेल को यह दृश्य पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे फिल्म में रखने से साफ इनकार कर दिया। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई तो कुमार गौरव ने अपने पिता से कहा कि मेरा प्लेन वाला सीन कहाँ है। यही नहीं, फिल्म से कई बड़े और जरूरी सीन भी काट दिए गए थे। राजेंद्र कुमार को एहसास हुआ कि फिल्म के वो सारे दृश्य जो राजेंद्र कुमार ने राहुल रवेल को सुझाए थे, उन सबको फिल्म से हटा दिया गया है। इसके अलावा राहुल रवेल ने ये कहकर कुमार गौरव का एंट्री सीन शूट करने से मना कर दिया था कि उन्हें आरके स्टूडियो की फिल्म बीवी ओ बीवी की शूटिंग करने जाना है। जब राजेंद्र कुमार ने राहुल रवेल को कॉल किया तो राहुल रवेल ने जवाब दिया कि उन दृश्यों की फिल्म में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें काट दिया गया है। राजेंद्र कुमार ने उन्हें कहा कि मुझे वो सीन काफी पसंद है और मैं चाहता हूं कि वो सभी सीन फिल्म में डाले जाएं, लेकिन राहुल रवेल ने ऐसा करने से मना कर दिया। गुस्से में राजेंद्र कुमार ने राहुल रवेल से बोला कि वो फिल्म के निर्माता हैं और वही होगा जो वो चाहेंगे। इस पर राहुल रवेल ने भी कह दिया कि अगर बात ऐसी है तो आप ये फिल्म खुद ही क्यों नहीं बना लेते। इस बात पर राजेंद्र कुमार और राहुल रवेल के बीच काफी अनबन हो गई, जिसके कारण फिल्म पूरी होने के बाद भी 4 महीनों तक अटकी रही। इन्हीं सब कारणों से राहुल रवेल ने बतौर निर्देशक खुद को फिल्म से अलग कर लिया। वैसे सिर्फ निर्देशक ही नहीं, फिल्म में एक और विशेष तरह का क्रेडिट देखने को मिलता है, जहां अरुणा ईरानी और बीना बनर्जी जैसे कलाकार जिन्होंने फिल्म में मेहमान भूमिका निभाई थी, उन्हें गेस्ट अपीयरेंस या स्पेशल अपीयरेंस का क्रेडिट न देकर फ्रेंड्स नाम से क्रेडिट दिया गया है। फैक्ट नंबर 3, राजेंद्र कुमार साल 1976 से अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मन मुताबिक स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। इस समय तक बतौर लीड हीरो उनका कैरियर ढलान पर चल गया था, ऐसे में वो खुद को हीरो लेकर फिल्म बनाना नहीं चाहते थे। उनके बेटे कुमार गौरव बचपन से ही बहुत ज्यादा शर्मीले थे और लोगों से बात करने से भी कतराते थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा जीवन में आखिर क्या करना चाहता है। एक दिन कुमार गौरव ने अपने पिता से कहा कि वो फिल्में बनाना चाहते हैं। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्त राज कपूर से बात की और कुमार गौरव को महीने के 250 रुपए तनख्वाह पर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में बतौर असिस्टेंट
डायरेक्टर नियुक्त कर लिया गया। दो साल तक राज कपूर को असिस्ट करने के बाद कुमार गौरव ने अपने पिता से कहा कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं। ये सुनकर राजेंद्र कुमार बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उन्हें पहले एक स्क्रीन टेस्ट देना होगा। कुमार गौरव इसके लिए मान गए। उन दिनों आरके स्टूडियो में फिल्म दुनिया मेरी जेब में की शूटिंग चल रही थी। उसी फिल्म के सेट पर कुमार गौरव का स्क्रीन टेस्ट हुआ, लेकिन जब स्क्रीन टेस्ट की स्क्रीनिंग की गई तो कुमार गौरव डर के मारे थिएटर से भाग गए और राजेंद्र कुमार के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद राजेंद्र कुमार उनके कमरे में आए और उनसे कहा कि शैंपेन खोलो, अब हम अपने बेटे के साथ फिल्म बनाएंगे। और यहीं से फिल्म लव स्टोरी की नींव रखी गई। फैक्ट नंबर 4, हीरो मिल जाने के बाद फिल्म के लिए निर्देशक की तलाश शुरू हुई। राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला तुली ने अपने पति से कहा कि मनोज कुमार को अपने उंगली पकड़कर स्टार बनाया है, वो आपको कभी मना नहीं कर पाएंगे। राजेंद्र कुमार ने जब मनोज कुमार से उनकी फिल्म का निर्देशन करने की बात कही तो मनोज कुमार ने उन्हें मना करते हुए कहा कि भाई साहब, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है और इस समय मैं दो फिल्मों क्रांति और संतोष बना रहा हूँ, ऐसे में मैं आपकी फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। मनोज की ना के बाद राजेंद्र कुमार ने निर्देशक राहुल रोयल से संपर्क किया। राहुल रोयल के पिता HS रोयल के साथ राजेंद्र कुमार के बहुत अच्छे संबंध थे और दोनों ने साथ में मेरे महबूब जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, लेकिन HS रोयल उस समय फिल्म दीदारे यार की शूटिंग में व्यस्त थे। ऐसे में उनके बेटे राहुल रोयल से संपर्क किया गया। राहुल रोयल और राजेंद्र कुमार ने फिल्म गुनहगार में साथ काम किया था और कुमार गौरव के स्क्रीन टेस्ट का निर्देशन भी राहुल रोयल ने ही किया था, क्योंकि उस समय राहुल रोयल राज कपूर के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र कुमार ने फिल्म के निर्देशन की कमान राहुल रोयल को ही दे दी। हालांकि फिल्म के मुहूर्त के दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर राजेंद्र कुमार के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म आप खुद ही निर्देशित करते तो मैं आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राजेंद्र कुमार ने कहा कि राहुल रोयल मेरे बेटे जैसा है, मेरे सामने कुमार गौरव असहज हो जाएगा, इसलिए मुझे कोई युवा निर्देशक ही चाहिए जिसके साथ कुमार गौरव सहज हो सके। पूरी फिल्म का निर्माण मेरी देखरेख में होगा, लेकिन मैं फिल्म के निर्देशन में दखल नहीं दूंगा। फैक्ट नंबर 5, फिल्म लव स्टोरी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट फिल्म से काफी अलग थी। जब मिर्जा बंधुओं ने राजेंद्र कुमार को स्क्रिप्ट सुनाई तो उसकी कहानी फिल्म बॉबी के तर्ज पर रखी गई थी, लेकिन कुमार गौरव की माँ ने राजेंद्र कुमार से कहा कि उन्हें भी स्क्रिप्ट सुनाई जाए। मूल कहानी में राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर पिता की भूमिका में थे और फिल्म का ज्यादातर हिस्सा दोनों पिताओं की आपसी लड़ाई पर आधारित थी। ऐसे में शुक्ला तुली ने अपने पति राजेंद्र कुमार से नाराज होकर कहा कि ये फिल्म आप मेरे बेटे के लिए बना रहे हैं या अपने लिए। इस पर दोनों पति पत्नी में काफी कहा सुनी हो गई और शुक्ला तुली नाराज होकर शिरडी चली गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि मिर्जा बंधु और राजेंद्र कुमार बैठे हुए थे। तब राजेंद्र कुमार ने कहा कि हमने स्क्रिप्ट बदल दी है, आकर सुन लो। शुक्ला तुली ने स्क्रिप्ट के दो सीन सुनकर ही कह दिया कि मुझे और सुनने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट काफी बढ़िया हो गई है। फैक्ट नंबर 6, फिल्म लव स्टोरी के लिए एक नई अभिनेत्री का चयन किया जाना था। पहले फिल्म के लिए टीना मुनीम का चयन किया गया था, लेकिन अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण टीना मुनीम ने फिल्म को मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि फिल्म की शूटिंग 2 महीनों तक लगातार कश्मीर में चलेगी और टीना मुनीम इतने डेट्स एक साथ देने में सक्षम नहीं थी। कहा जाता है कि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की फिल्म गर्म खून के प्रीमियर पर राजेंद्र कुमार ने सुलक्षणा की छोटी बहन विजेता पंडित को देखा और उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया। आरंभ में उनके माता पिता इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि विजेता उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन बाद में विजेता का रुझान देखकर वो मान गए और बतौर नायिका विजेता ने अपने कैरियर का आगाज किया। फैक्ट नंबर 7, फिल्म लव स्टोरी की शूटिंग लगातार 88 दिनों तक कश्मीर की वादियों में हुई। आमतौर पर हिंदी फिल्मों की शूटिंग टुकड़ों में होती है, लेकिन ये पूरी फिल्म लगभग एक ही शेड्यूल में पूरी कर दी गई। लेकिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार को लगा कि फिल्म के गाने याद आ रही है में कुमार गौरव के क्लोजअप में अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं आए हैं, तो एक छोटी सी टीम को लेकर कुमार गौरव के क्लोजअप अलग से शूट किए गए थे। इस पूरी शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार निर्देशक राहुल रोयल से काफी परेशान हो गए थे। अपने पिता HS रोयल की ही तरह राहुल रोयल भी शॉट परफेक्ट होने तक रिटेक पर रिटेक लिया करते थे। राजेंद्र कुमार का कहना था कि वो कोई मास्टरपीस नहीं बना रहे हैं जो इतने रिटेक लेने पड़े। जबरदस्ती रिटेक लेने के कारण कीमती समय और पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन राजेंद्र कुमार ने फिर भी पूरी शूटिंग के दौरान राहुल रोयल को अपना काम अपने ढंग से करने की आजादी दे दी। फिल्म लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान कुमार गौरव और विजेता पंडित के बीच का अफेयर खासा चर्चा का विषय रहा। कुमार गौरव बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार विजेता पंडित को देखा तो उन्हें लगा कि उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आते, तो ये एक्टिंग क्या खाक करेगी। लेकिन फिल्म की शूटिंग के साथ साथ विजेता की एक्टिंग में सुधार
आ गया और फिल्म की शूटिंग के दौरान विजेता की दोस्ती कुमार गौरव के बहनों से भी हो गई। उनके मुताबिक विजेता बेहद बचकानी लड़की थी जो छोटे बच्चों की तरह बात करती थी और उसे दुनिया भर की किसी चीज की समझ नहीं थी। वो कुमार गौरव से बचकाने सवाल पूछा करती थी, मसलन जींस क्या होता है। विजेता के कपड़ों का ढंग और मेकअप कुमार गौरव की बहनों ने ही किया था और कुमार गौरव एक तरह से विजेता के मेंटर बन गए थे। इस पूरी कवायद में दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। समस्या ये थी कि कुमार गौरव की सगाई कपूर खानदान की बेटी रीमा कपूर से हो चुकी थी और जब इस प्रेम संबंध का पता उनके परिवार को चला तो कुमार गौरव की सगाई टूट गई। फैक्ट नंबर 9। फिल्म लव स्टोरी के रिलीज के बाद राजेंद्र कुमार और विजेता पंडित ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। जहां राजेंद्र कुमार ने विजेता पंडित को अनप्रोफेशनल और बदतमीज अभिनेत्री बताया, वहीं विजेता ने यह आरोप लगाया कि लव स्टोरी की जबरदस्त सफलता के बावजूद राजेंद्र कुमार कुमार गौरव को उनके साथ कोई फिल्म नहीं करने दे रहे हैं। विजेता ने यह भी कहा कि लव स्टोरी सिर्फ कुमार गौरव को लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। फिल्म की पब्लिसिटी में कहीं भी विजेता को तवज्जो नहीं दी गई। उन्हें पूरी फिल्म के दौरान हर महीने 2500 रुपये मिला करते थे, जो कि किसी न्यूकमर के लिहाज से काफी कम कीमत है। यहाँ तक कि फिल्म में उनके रोल को कुछ खास अहमियत नहीं दी गई। लेकिन कुमार गौरव के क्लोजअप शॉट लेने के लिए कश्मीर में रीशूट करवाया गया, जिसमें लाखों रुपये लग गए। बावजूद इन सब के कुमार गौरव की एकमात्र गोल्डन जुबली हिट मेरे साथ है और जिन अभिनेत्रियों को राजेंद्र कुमार प्रमोट कर रहे हैं उनमें से किसी के साथ कुमार गौरव की फिल्म नहीं चल रही है। फैक्ट नंबर 10। फिल्म लव स्टोरी की सफलता में इसके संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस फिल्म का एल्बम साल 1981 का सबसे ज्यादा बिकने वाला और पूरे 80 के दशक का मैंने प्यार किया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ। इसके अलावा साल 1981 की बिना का गीतमाला में फिल्म के दो गीतों को जगह मिली थी। जहां याद आ रहा है गीत को चौथा स्थान हासिल हुआ, वहीं देखो मैंने देखा है ये एक सपना गीत को नौवां स्थान हासिल हुआ। फैक्ट नंबर 11। फिल्म लव स्टोरी की जबरदस्त सफलता के बाद सबको उम्मीद थी कि कुमार गौरव और विजेता पंडित की जोड़ी साथ में कई और फिल्में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिल्म लव स्टोरी के प्रीमियर पर निर्माता निर्देशक रामानंद सागर आए थे और वो फिल्म देखकर इतना खुश हुए कि उन्होंने कुमार गौरव और विजेता पंडित को अपनी आने वाली फिल्म रोमांस के लिए साइन कर लिया। कुछ दिनों बाद रामानंद सागर ने विजेता को कॉल करके उनकी फीस पूछी। विजेता ने लव स्टोरी से थोड़ी ज्यादा रकम बताई। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें दोबारा फोन करने की बात कही, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि उनकी जगह पर कुमार गौरव के साथ पूनम ढिल्लन को साइन कर लिया गया है। साथ ही राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी के समय विजेता पंडित के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद उन फिल्मों से विजेता को निकालकर रति अग्निहोत्री के साथ फिल्म अलबेला और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ फिल्म लवर्स का ऐलान कर दिया गया। गौरतलब है कि लवर्स फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और अलबेला बनकर तैयार हुई, लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाई। फैक्ट नंबर 12। फिल्म लव स्टोरी के लेखक मिर्जा बंधु यानी कि शाहरुख और मारुख मिर्जा का फिल्म के दौरान और बाद में विजेता पंडित और राहुल रवेल से काफी विवाद हो गया था। जब राजेंद्र कुमार और राहुल रवेल के बीच फिल्म को लेकर अनबन हो गई तो मिर्जा बंधुओं ने राजेंद्र कुमार का पक्ष लिया ताकि उनको राजेंद्र कुमार की आने वाली फिल्मों में काम मिल सके। ये बात राहुल रवेल के दोस्तों ऋषि कपूर और रणधीर कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोनों ने सरेआम इन लेखक बंधुओं को राहुल रवेल को अकेला छोड़ने के लिए काफी बुरा भला कहा। हालांकि बाद में उनके बीच सब बातें ठीक ठाक हो गईं। इसके अलावा विजेता पंडित के पेशेवर रवैये से मिर्जा बंधु काफी नाराज हुए और उन्होंने सिने ब्लिट्स पत्रिका में इंटरव्यू देकर ये कहा कि विजेता पंडित ना समझ हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपनी बहन सुलक्षणा पंडित की सुनती हैं, जो विजेता के जरिए अपना स्टारडम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। बकौल मिर्जा बंधु, सुलक्षणा के कहने पर विजेता बात बात पर पैसे की मांग कर देती थी और उनके कारण शूटिंग में काफी रुकावट आई थी। फैक्ट नंबर 13। अमजद खान 1980 तक आते आते इतने बिजी हो गए थे कि वो एक साथ 40 फिल्में साइन कर चुके थे, जिसके कारण उनकी कई फिल्मों की शूटिंग अटक गई थी। ऐसे में अमजद खान ने फिल्मकारों से कहना शुरू कर दिया कि अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार करें और अगर शूटिंग में बहुत देर हो रही हो तो किसी और को साइन कर लें। लेकिन राजेंद्र कुमार अमजद खान की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने अमजद के आने का इंतजार किया और अमजद खान ने भी उन्हें निराश नहीं किया। अमजद खान कुर्बानी और लव स्टोरी की परफॉर्मेंस को अपनी यादगार परफॉर्मेंस में एक मानते हैं।
फैक्ट नंबर 14, फिल्म लव स्टोरी में डैनी डंगजोंगपा ने विजेता पंडित के पिता और अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पति की भूमिका निभाई थी, जिसे राजेंद्र कुमार का मित्र भी दिखाया गया है। गौरतलब है कि ये रोल करते समय डैनी की उम्र महज 33 साल की थी और वो विद्या सिन्हा से 1 साल और राजेंद्र कुमार से कुल 21 साल छोटे थे। दरअसल ये भूमिका पहले अभिनेता राजकुमार को दी जानी थी, लेकिन राजकुमार को अभिनेत्री विद्या सिन्हा के साथ काम करना पसंद नहीं आया। उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा कि दो दोस्त विद्या सिन्हा के लिए क्यों लड़ेंगे, उसमें तो वो बात ही नहीं है। राजेंद्र कुमार उस समय फिल्म बुलंदी की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें डैनी ने कॉलेज के लड़के और उनके बुजुर्ग पिता दोनों की भूमिका निभाई थी। उनके इसी टैलेंट से प्रभावित होकर उन्हें इस फिल्म के लिए रिकमेंड किया गया था। फैक्ट नंबर 15, फिल्म लव स्टोरी को 29वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में केवल एक पुरस्कार मिला, जो गायक अमित कुमार को फिल्म के गीत याद आ रहा है के लिए दिया गया था। इसके अलावा आरडी बर्मन को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, आनंद बख्शी को याद आ रहा है गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और अमजद खान को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर नामांकन मिला। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमित कुमार को जब फिल्म फेयर पुरस्कार लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो उनसे याद आ रही है गीत गाने के लिए कहा गया। तब अमित कुमार ने अपने पिता किशोर कुमार को भी स्टेज पर बुला लिया और उनसे कहा कि वो इस गीत की शुरुआती लाइनें गाएं और उसके बाद वो इस गीत को आगे बढ़ाएंगे। दोनों की जुगलबंदी देखकर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। तो ये थी साल 1981 में आई बेहद लोकप्रिय म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म लव स्टोरी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।